उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे, जहां मोदी सरकार के 30वें कार्यकाल की बजट की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया है जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों से लेकर अमीर और किसान से लेकर मजदूर तक का ख्याल रखा गया है। आगे कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए विशेष ध्यान रखा गया, साथ ही देश पहली बार रक्षा के क्षेत्र में निर्यात भी अब कर रहा है। अभी तक देश रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर था। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देश में 900 से ज्यादा मीटिंगें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जो 3-0 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका 11वां बजट है। इस बजट के द्वारा तो उनकी थीम है यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत, 2047 का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था में खड़े हुए भारत के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। आपने देखा होगा पिछले बजट में हमने 18,000 गाँव लिए थे जिनमें लाइट नहीं थी, लाइट पहुँचाने का काम किया। जिन घरों में नल नहीं थे, नल में जल पहुँचाने का काम किया। जिनमें शौचालय नहीं थे, शौचालय देने का काम किया। जिनको घर नहीं थे, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, और हमने 3 करोड़ लोगों को और घर देने वाले हैं। जहाँ पानी नहीं पहुँचा था, वो पानी पहुँचाने वाले हैं। पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार से संतुलित किया जाए, उसके लिए बजट रखा गया है। और साथ साथ जिस प्रकार से किसानों को मजबूत करके आयुष जो उनको सम्मान निधि के साथ साथ उनको खेतियों के भी विकल्प दिए गए हैं।